चलो, इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इच अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ये अगर इन दोनों को एक पास में लाता हूं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। आप सोचो कि क्या ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे क्या? नहीं यार, ये एक दूसरे के पास खुशी खुशी नहीं आएंगे यार, ये इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा नहीं, क्योंकि ये माइनस वाला है और ये भी माइनस वाला है। तो अगर ये प्लस वाला होता और ये माइनस वाला होता तो एक दूसरे को खुशी खुशी अट्रैक्ट कर लेते आपस में, है ना। अब ये जो माइनस वाला है और ये माइनस वाला है, ये अपने आप तो आएंगे नहीं यार, जबरदस्ती इनको लाया जाएगा, है ना। जैसे कोई आदमी होता है, कोई लड़का लड़की है, उसको पकड़ के जबरदस्ती शादी करा दिया जाता है, अरेंज मैरिज। लेकिन ये जो प्लस है और ये माइनस, ये लव मैरिज की तरह ये खुशी खुशी अट्रैक्ट होके एक दूसरे के पास आए हैं। और ये माइनस माइनस, तो जो कोई भी लाएगा इनको जबरदस्ती, वो वर्क डन करेगा यार। तो वर्क डन करेगा तो अपनी एनर्जी डोनेट करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इस केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। आया समझ में? ये बच्चे बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, इसलिए प्लस और माइनस वाले कैसे याद रखो कि एक लव मैरिज की तरह है, जो एक दूसरे के खुशी खुशी पास आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेंगे, और ये माइनस और माइनस वाला एक अरेंज मैरिज की तरह जिसको ज़बरदस्ती पास लाके जोड़ा गया है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और इसमें एक दूसरे से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेगा इसमें। तो हमसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पहले केस में इंक्रीज हो जाएगा और इस केस में डिक्रीज हो जाएगा।